हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि दुनिया भर में अभी तक कई जगह पे यूएफओ देखा जा चुका है। एक रात ऐसे ही एक यूएफओ बहुत ही स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है और सर्च लाइट के पास नवेडा यूएसए में क्रैश हो जाती है, जो कि लास वेगास से 45 माइल्स दूर होता है। इसी दौरान हम प्रोजेक्ट मून डस्ट के बारे में देखते हैं। ये एक सीक्रेट डिफेंस डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एलियन पर रिसर्च होती है और उसे हेनरी बर्क लीड करते हैं। हेनरी अपनी टीम के साथ इस क्रैश हुए जगह पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले आते हैं। इसी दरमियान हम एक कैब ड्राइवर जैक ब्रूनो को देखते हैं। दरअसल जैक को कैद हो चुकी थी, लेकिन वहाँ से भाग के अब वो कैब चलाता था। वो रात के वक्त में पैसेंजर्स को प्लैनेट हॉलीवुड होटल में ड्रॉप करता है, जिसमें एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर एलेक्स भी शामिल होते हैं, जो होटल में यूएफओ की लेक्चर देने के लिए आई होती है। अब अगली सुबह क्रैश साइट पे इन्वेस्टिगेट कर रहे लोगों को कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं। उनकी जांच करने के बाद उन्हें दो एलियन होने का पता चलता है, जो इंसानों के रूप में वहां से निकल चुके थे। फुटेज चेक करने पर वो दोनों भी इस एलियन को एक एटीएम से $15,000 कैश निकालते हुए देखते हैं, वो भी एटीएम को बिना टच किए। फिर दोनों भी एक कार में बैठ जाते हैं। उसी सुबह हम जैक को भी देखते हैं। जब वो गाड़ी चला रहा था, तब उसे ये दोनों भी एलियन दिखाई देते हैं, जो कि इंसानों के रूप में थे, जो उस यूएफओ से उतरे हुए थे। और जैक को अपना नाम सारा और सेठ बताते हैं। दोनों भाई बहन थे। आगे वे लोग जैक को एक अन्य लोकेशन पर जाने के लिए कहते हैं और अपने नेविगेशन डिवाइस से जैक को रास्ता बताने लगती है, जिसके बदले में उसे काफी सारा कैश ऑफर भी करती है। थोड़ी देर में वो एक हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जहां जाते हुए पीछे से हेनरी की गाड़ी आ जाती है, जिसे जैक नजरअंदाज करता है। लेकिन तभी एक कार उन्हें घेरने लगती है और टक्कर मारती है। जैक किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन उनमें से कार उनके पीछे पड़ी थी, जिसे देख सेठ अपनी पावर से कार से बाहर निकलता है और पीछे आती हुई सारी कार्स को टक्कर मार देता है, जिसे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन सेठ को कुछ भी नहीं हुआ था। सारा फिर अपने टेलीकिनेसिस पावर से जैक की कार कंट्रोल कर वापस पीछे ले जाती है, जहाँ पे सेठ कार में वापस बैठ जाता है। ये सब कुछ देख जैक कार से बाहर निकलता है। वहाँ उसे लगता है कि ये सारे लोग उसके पुराने गैंग वुल्फ के लोग हैं, इसीलिए जैक उन्हें वार्न करता है और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद सेठ और सारा एक डेजर्ट के बीच के घर के पास उतर जाते हैं और जैक को पैसे देकर उस घर में चले जाते हैं। ज्यादा पैसे होने की वजह से जैक कार से बाहर निकल उन्हें बुलाता है, लेकिन तभी उसे घर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुन जैक अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जैक को पता चलता है कि वो दोनों किसी डिवाइस को ढूंढ रहे हैं। वो दोनों भी जैक को वापस जाने के लिए कहते हैं। इसी बीच हमें जैक के पीछे सूट पहना हुआ एक एलियन दिखाई देता है। सेठ फिर फ्रिज के पास जाता है और अपने नेविगेशन डिवाइस को फ्रिज पर लगा देता है, जिसे फ्रिज में से एक सीक्रेट गेट खुल जाता है। जैक ये सब देख हैरान हो जाता है और चुपचाप उनके पीछे चला जाता है। थोड़े दूर जाने के बाद वे लोग एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं, मानो ये कोई अलग डायमेंशन है। सेठ फिर अपने नेविगेशन डिवाइस को एक अजीब से पौधे पर चेक करता है, जिससे उसे उस डिवाइस के बारे में पता चल जाता है। सारा फिर उसके ऊपर एक चीज रख देती है और उस डिवाइस को निकाल लेती है। अब जैक उनसे पूछता है कि अगर ये डिवाइस इतना इम्पोर्टेंट है, तो कोई और भी इस डिवाइस को ढूंढ रहा होगा। और इसी दौरान वहाँ पे दूसरे एलियन आ जाते हैं, जिसे तीनों छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन वहाँ की चीजों पर अपने गन से फायर करने लगते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और वे एलियन सारा को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन जैक पर भी भारी पड़ते हैं। कि तभी सारा जैक को बचाने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करती है। फिर सभी वहाँ से निकल कर उसी गेट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से वे आए होते हैं। अब इसके बाद सभी लोग वापस उसी गेट के पास जाने लगते हैं, जहाँ से आए होते हैं। लेकिन गेट बंद करते वक्त वो एलियन दोबारा से फायर करते हैं, जिसे सेठ बेहोश हो जाता है। जैक फिर सेठ को उठाकर सारा के साथ वहाँ से भागता है और कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जैक काफी गुस्सा होता है और लड़की से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग कौन हो। तभी वो दूसरा एलियन अपने स्पेसशिप से उन पर हमला करने लगता है, जिसे बचते हुए वो लोग एक ट्रेन टनल में चले जाते हैं। तब वो दोनों जैक को बताते हैं कि हम पर हमला करने वाले सिम्फिन ये दूसरे तरह का एलियन है, जो कि एक किलर है और इन दोनों को मारना चाहता है। इतने में वो एलियन शिप टनल के पास आ जाता है और अपनी लाइट से उन्हें ढूंढने लगता है।
जैक फिर धीरे से कार को टनल से बाहर निकालता है, लेकिन तभी सिफोन वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। जैक फिर से बचने के लिए दूसरे टनल में चला जाता है, लेकिन उस टनल में से एक ट्रेन आ रही होती है। तब सारा अपनी पावर से कार की स्पीड बढ़ा देती है और टकराने से पहले ही वो उस टनल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनके पीछे आ रही एलियन शिप ट्रेन से टकरा जाती है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ हेनरी जैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। जैक पास्ट में अंडरवर्ल्ड के वुल्फ नाम के गैंग के साथ काम करता था और गाड़ियां चुराने के चक्कर में उसे जेल हुई थी, इसीलिए जेल से छूटने के बाद अब वो टैक्सी चला रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हेनरी का एक ऑफिसर उसे बोलता है कि जैक की कार लास्ट टाइम एक ट्रेन ट्रैक पर दिखी थी। इन सारे इंसिडेंट के बाद जैक आखिर में पूछता है कि चल क्या रहा है और तुम लोग कौन हो, जिसे सारा जैक को बताती है कि वो दोनों एलियन है। पर जैक उनकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी सारा टेलीकिन इस पावर से कुछ चीजों को हवा में उड़ा देती है जिसे जैक यकीन हो जाता है कि ये लोग एलियन हैं। फिर वो अपनी कार रिपेयर करने के लिए एक गैराज लेके जाता है। इसी दरमियान तीनों भी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे सारा जैक का दिमाग पढ़ लेती है कि वो इन दोनों को भी यहाँ पे छोड़कर पीछे के दरवाजे से भागने वाला है। जिसे सुन जैक उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे ये पता चला, तो सेठ बताता है कि सारा किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है। तभी एक वेट्रेस सेठ और सारा को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम लेके जाती है। तो दूसरी तरफ हेनरी की ऑफिसर्स जैक का मोबाइल ट्रैक कर लेते हैं और कुछ ही देर में वो सभी वहां पे आ जाते हैं और जैक को कॉल कर उसे बोलते हैं कि तुम उन दोनों बच्चों को बाहर लेके आओ, वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसके बदले में वो उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लियर कर देंगे। लेकिन जैक गन लिए ऑफिसर्स को आते हुए देख लेता है, इसलिए वो वहां के शेरिफ को बोलता है कि कोई उनके एरिया में गन लेकर आ रहा है। ये सुन शेरिफ को लगता है कि कोई गुंडे है, इसीलिए वो हेनरी के लोगों पर फायरिंग कर देता है और वहाँ पे दोनों भी ऑफिसर्स के लोगों की काफी लड़ाई शुरू होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग वेट्रेस के मदद से छत से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक डॉग उन पर भौंकने लगता है जिससे सारा अपने पावर से शांत कर लेती है। जैक फिर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी हेनरी के ऑफिसर्स उनका पीछा करने लगते हैं कि तब सारा अपने पावर से उनके कार का इंजन ब्लास्ट कर दी है। और तभी हेनरी के टीम का जो डॉग रहता है वो हेनरी को शूट करने से रोकता है और जैक की कार में आकर बैठ जाता है। फिर सेठ जैक को बोलता है कि हमें उन लोगों के बेस तक पहुंचना है जहाँ पे हमारी स्पेसशिप है ताकि वो अपने घर वापस जा सके, लेकिन जैक वहाँ जाने से मना करता है और कहता है कि उसे इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना है। तभी सारा जैक का माइंड रीड करती है और उसे डॉक्टर एलेक्स के बारे में पूछती है। ये वही लड़की होती है जो पहले जैक की कैब में बैठी थी और प्लैनेट हॉलीवुड में एलियन के बारे में एक सेमिनार लेने के लिए। फिर वे लोग उससे मिलने के लिए प्लैनेट हॉलीवुड इस होटल में चले जाते हैं जिसका पता मिस्टर वुल्फ के गैंग के आदमियों को पता चल जाता है। अब यहाँ पे जैक उन दोनों को डॉक्टर एलेक्स के पास लेके जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करती। इसी दरमियान सेठ और सारा डॉक्टर एलेक्स का लैपटॉप चेक करते हैं जिसमें उन्हें उनका स्पेसशिप की पिक्चर दिखाई देती है, और जब डॉक्टर एलेक्स अपना लैपटॉप लेने आती है तभी वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन सारा अपने पावर से लैपटॉप को वापस एलेक्स के हाथों में रख देती है जिसे उन्हें भी यकीन हो जाता है। फिर सेठ अपने डिवाइस से एक स्पेस होलोग्राम दिखाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद एलेक्स उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, और तभी सारा असलियत बताती है कि उनका प्लैनेट अब खत्म हो रहा है, वहाँ सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही है और अर्थ पर उनके पेरेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे दोबारा उनके प्लैनेट को पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी मिलिट्री अर्थ पर अटैक कर उन पे कब्जा करना चाहती है, इसीलिए उन्हें जल्द ही उनके प्लैनेट पर लौटना होगा। एलेक्स उनकी स्पेसशिप ढूंढने के लिए यूएफोलॉजिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड हर्लन से हेल्प लेती है। वो उन्हें बताते हैं कि उनके अनुसार ये शिप विच माउंटेन के पास रखी गई है जो गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है, साथ ही वो उन्हें वहां जाने का मैप देते हैं। अब डॉक्टर एलेक्स उन दोनों को भी मदद करने का प्रॉमिस करती है और जैक को कहती है कि वो अपना सामान लेकर आती है, फिर वे लोग कैब से निकल जाएंगे। इसी दरमियान सेठ और सारा जैक को बिना बताए एग्जीबिशन देखने के लिए चले जाते हैं। इतनी ही देर में वुल्फ के आदमी जैक को पकड़ लेते हैं, लेकिन जैक खुद को उनसे छुड़ा लेता है और इन दोनों को भी ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन तब तक हेनरी और बाकी के ऑफिसर्स होटल में आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जैक को वो दोनों एग्जीबिशन में मिल जाते हैं। तभी वहाँ पे सिम्फनी एलियन भी आ जाता है जो उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी सारा अपने पावर से उसके ऊपर पिलर गिरा देती है, और ये सब कुछ
देखकर आसपास के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये शो का ही हिस्सा है। अब जैक उन दोनों को लेकर होटल के कैसीनो में पहुंच जाता है जहां हेनरी और उसके ऑफिसर्स उन्हें ढूंढ रहे थे। तब सारा उनसे बचने के लिए वहां बैठे सारे प्लेयर्स को अपनी पावर से जिता देती है जिसके कारण होटल में काफी भीड़ हो जाती है और पार्टी का माहौल हो जाता है। इसी बीच एलेक्स भी वहां पे आ जाती है और उनके साथ वहां से निकल जाती है। फिर हेनरी के ऑफिसर जैक की कैब को घेर लेते हैं लेकिन उसमें से जैक की जगह डॉक्टर डोनाल्ड और उसके साथी होते हैं। दूसरी तरफ जैक और बाकी सारे डॉक्टर डोनाल्ड की वैन में होते हैं और विच माउंटेन की ओर जा रहे होते हैं। उन्हें विच माउंटेन के जंगल से होते हुए जाना पड़ता है लेकिन जंगल में हिडन कैमरास होते हैं जिसे हेनरी को उनके बारे में पता चल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग वहां पे आ जाते हैं और सेठ और सारा को डांट से बेहोश कर देते हैं। जैक उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता। हेनरी फिर उन्हें जेल की धमकी देकर वहां से भेज देता है लेकिन फिर एलेक्स जैक को समझाती है कि सारा और सेठ ने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें कैसे भी उनकी मदद करनी चाहिए। इस पर जैक फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि ऐसे काफी लोग हैं जो उस पर भरोसा करते वक्त धोखा खा चुके हैं। ये सुनकर एलेक्स जैक को थप्पड़ मारती है जिसे आगे बैठे हुए दोनों ऑफिसर का ध्यान टूट जाता है और इसका फायदा उठाकर जैक उन्हें ही कार से फेंक देता है। यहाँ पर साइंटिस्ट जैक और सारा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो वही दूसरी तरफ जैक और एलेक्स एक टनल के सहारे वहां तक छुपते हुए पहुंच जाते हैं लेकिन इसी बीच में सिफोन ये एलियन भी वहां आ जाता है जिसे रोकने सभी ऑफिसर्स लैब से बाहर चले आते हैं। तभी जैक और एलेक्स दोनों भी छुपते हुए लैब में पहुंचते हैं और उन दोनों साइंटिस्ट को बेहोश कर उनका सूट पहनकर लैब में चले जाते हैं और बाकी बचे साइंटिस्ट को वे लोग मारकर बेहोश कर देते हैं। एलेक्स फिर ऑक्सीजन ट्यूब ऑन करती है जिसे बेहोश हुए सारा और सेठ होश में आ जाते हैं और वहां से भाग कर वे लोग अपने स्पेसशिप के पास जाते हैं लेकिन वहां कुछ और साइंटिस्ट होते हैं। इसीलिए एलेक्स बड़ी चालाकी से वहां जाती है और उनसे बोलती है कि क्या तुम्हें अलार्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, और वो साइंटिस्ट भी वहां से भागने लगते हैं। हेनरी ने इस पूरे एरिया को खाली करने के लिए कहा है। ये सुनकर वो सभी वहां से चले जाते हैं और सेठ अपने डिवाइस को स्पेसशिप पर लगा देता है जिसे उनका गेट ओपन हो जाता है लेकिन तभी वहां पे सारी सिक्योरिटी आकर उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तभी सारा और सेठ जैक और एलेक्स का हाथ पकड़ लेते हैं और उनके पावर के कारण उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता। इसी बीच सिफोन दोबारा वहां आ जाता है और सभी पर हमला करने लगता है जिसे देख जैक सबको लेकर स्पेसशिप में चली जाती है। फिर सेठ और सारा स्पेसशिप को टनल से उड़ा लेके जाते हैं। उनके साथ सिफोन भी वहां से जाता है जिसे रोकने के लिए जैक उसे लड़ने लगता है। इसी बीच में सिफोन का एक मास्क निकल जाता है और हम देखते हैं कि उसका फेस बहुत ही डरावना होता है। आगे सेठ भी जैक की हेल्प के लिए वहां आता है और दोनों मिलकर सिफोन को स्पेसशिप से बाहर निकालकर उसे मार देते हैं। आखिर में सेठ और सारा जैक और एलेक्स को सेफ जगह पे छोड़ देते हैं और उन दोनों को भी अपना ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं ताकि ये एलियंस वापस जब भी अर्थ पर आए तब दोनों भी उन्हें ढूंढ सकते हैं। चारों भी एक दूसरे का फेयरवेल लेते हैं और सारा जाते वक्त जैक को अपनी टेलीपैथिक पावर देती है। कुछ वीक्स के बाद हम देखते हैं एलेक्स और जैक दोनों भी सक्सेसफुली एक बुक पब्लिश की होती है जिसका नाम होता है रेस टू विच माउंटेन और अपनी बुक यूएफओ कन्वेंशन सर्किट में पब्लिश करते हैं जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे गवर्नमेंट एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। जैसे ही वो कन्वेंशन से निकलते हैं एलियन का डिवाइस एक्टिवेट होने लगता है यानी कि सारा और सेठ वापस अर्थ पर आ चुके थे और मूवी इधर ही खत्म होती है।